खबरों की शुरुआत सबसे पहले भैरोड से। भाजपा नेता मोहित यादव पर हुए कातिलाना हमले के बाद डॉक्टर जसवंत यादव व समर्थकों सहित संपूर्ण भाजपाइयों में आक्रोश का माहौल नजर आ रहा है। आपको बता दें, उत्तर से दक्षिण कमान व तमाम भाजपा के नेता और समर्थक मामले में अब तीव्रता से अपराधियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आने वाली 29 जनवरी को शुक्रवार सुबह 10 बजे अलवर रोड कृषि मंडी गेट से एसडीएम कोर्ट तक काली पट्टी बांधकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मौन जुलूस निकाला जाएगा। डॉक्टर जसवंत यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए यह सब जानकारी दी है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर जसवंत यादव ने इस मामले पर। मोहित यादव पर बहरोड के अंदर जो बलजीत के गुंडों के द्वारा कातिलाने कायराने हमला हुआ है एवं जिस तरह से बलजीत की जो गुंडागर्दी बहरोड में बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, प्रशासन में अराजकता है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसके विरोध के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने उत्तर और दक्षिण के जिलाध्यक्ष एवं पूरी पार्टी, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी प्रधान, नगरपालिकाओं के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन सब ने मिलकर के सामूहिक फैसला लिया है कि बार शुक्रवार 29 तारीख को दिन के 10 बजे अलवर रोड पर कृषि मंडी से मौन जुलूस काली पट्टी बांध के निकाला जाएगा। मेरा निवेदन है कि सभी लोग मास्क पहन के आए, काली पट्टी बांध करके आएँ और इस मौन जुलूस के अंदर अधिक से अधिक लोग शामिल हों, क्योंकि इस तरह की अराजकता शायद कभी हुई नहीं, इस तरह का आज तक किसी ने कभी भी गुंडा राज देखा नहीं। इस गुंडा राज को का जवाब यही है कि मौन जुलूस निकाला जाए, सामूहिक रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कार्यकर्ता हो या नेता हो, सभी एक साथ मिलकर के मंडी गेट से शुरू होंगे और एसडीएम कोर्ट तक जाएंगे, तो अधिक से अधिक पधारने का कष्ट करें। किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। आपको बता दें, अलवर जिले से श्रम मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में जिले से करीब 1500 ट्रैक्टर शाजापुर से दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें जिले की 11 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा से 100 से ज्यादा ट्रैक्टर विधायकों के नेतृत्व में निकलेंगे। इसी क्रम में आज श्रम मंत्री टीकाराम जूली अलवर के जगन्नाथ मंदिर स्वयं ट्रैक्टर चलाकर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ शाजापुर के लिए जगन्नाथ मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए। इसमें राजगढ़, अलवर शहर ग्रामीण, रामगढ़ व थानागढ़ी के किसान ट्रैक्टरों से कांग्रेस विधायकों के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। तो वहीं कल मंगलवार को बांसूर, तिजारा, मुंडावर और भैरोड से किसान ट्रैक्टर लेकर सुबह पहुंचेंगे। इस दौरान बताया गया कि सोडावास से सुबह 10 बजे एक साथ दिल्ली कूच करने का समय तय है। कूच की तैयारी है, क्या पूरी कार्यक्रम रहेगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे और क्या क्या कैसे कैसे क्रमबद्ध चलेगी ये दो दिन तक? देखिए, हजारों की संख्या में तो लोग यहाँ से अलवर से चलेंगे और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो जो आगे बढ़ता गया और कारवा बनता चला गया, यहाँ से चलने के बाद में रास्ते के अंदर जितने भी हमारे कस्बे आएंगे वहाँ आसपास के किसान हमको ज्वाइन करेंगे और कल बहरोड में सुबह लगभग 1500 से 2000 के बीच में ट्रैक्टर रहेंगे और हजारों की संख्या में किसान हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद वहाँ से हम शाजापुर बॉर्डर जाएंगे। कल का भी क्या कार्यक्रम है, आपने बताया कल भी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे? अभी हम जाएंगे रात को, जहाँ भी हमें जगह मिलेगी आधे रास्ते के अंदर, क्योंकि सुबह 26 जनवरी ये पहुँचना बड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम वहाँ जहाँ भी जगह मिलेगी वहीं रुकेंगे। मैं स्वयं किसानों के साथ रात को वहीं रुकूंगा और कल वहाँ से सुबह हम लोग रवाना होके और शाजापुर बॉर्डर हम पहुँचेंगे। सर, सबसे अहम चीज़, हाल ही में बहरोड में बड़ी घटना हुई पूर्व मंत्री के बेटे पर। आज नौगावा थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नौगावा थाना प्रभारी मोहन सिंह ने इस दौरान बताया है कि थाने से दो टीमों का गठन किया था। एक टीम मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पड़ावदा अकलीमपुर रोड गई, जहां पर गुरुचरण सिंह जाति रायसिक निवासी रायसिक बोस को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। इस दौरान मामले में उक्त मुजरिम से 19 लीटर हथकर शराब बरामद की गई।
तो वहीं दूसरी टीम ने हेड कांस्टेबल शंकर लाल के नेतृत्व में बहरीपुर में दबिश दी, जहां पर अलाउडी आवास में कन्हैया लाल को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त मुजरिम से 5 लीटर अवैध शराब भी बरामद कर ली गई। कल आपने अवैध शराब बनाते हुए बेचते हुए 2 जनों को पकड़ा है, उनके बारे में क्या जानकारी मिली बताइए। श्रीमान एसी साहब के आदेश में साहब ये हलकर शराब का अभियान चल रहा है और इसमें कल हमने 2 टीम अलग अलग गठित की थी, जिसमें अलग अलग जगह से एक मुबारकपुर से और एक अलावड़ अनवास से 2 मुलजिम गिरफ्तार कर रहे हैं। दोनों मुलजिम के कब्जे से 24 लीटर हथकर शराब बरामद किए गए। क्या नाम है उनके मुजरिमों के? मुलजिम के एक नाम गुरचरण सिंह था, दूसरा नाम कन्हैया लाल था। तो इनके मौके पर आपने इसके अलावा कोई निर्माण सामग्री के कुछ जब्त किए हैं? किस प्रकार से निर्माण करते हैं ये क्या है कि कुछ पे रात को अपने समय मुताबिक ये कई खेतों में अपने निकाल लेते हैं और कुछ हमारे भरतपुर से लगता हुआ बॉर्डर है, फूटा खोरी है जहाँ बहुत ज़्यादा दारू निकलती है, वहाँ से ये सप्लाई करने आते हैं और ये यहाँ दारू ले लेते हैं उनसे, जैसे ये उसको बिक्री करते हैं। कोई खरीदार भी आपको मिला है, सिर्फ बेचने वाले ही मिले हैं? नहीं, ये दो ही बेचने वाले ही मिले थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से ये बरामद 2 लीटर करता।